हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि मैं अपने ब्रशेस जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं वो कैसे साफ़ करती हूँ, कैसे धोती हूँ, कैसे क्लीन करती हूँ. सो दीज आर द वंस यू नो दैट आई यूज द मोस्ट एंड इनके अंदर पूरा फाउंडेशन और क्रीम और सन ब्लॉक, पता नहीं बहुत सारा मेकअप असेंबल हो गया है, डिपॉजिट हो गया है. दिस इज़ माई आई ब्रश. Was a different color and now has changed to a different color. So मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनको कैसे धोती हूँ. यार देखिए कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं, truly truly dirty. And look at the color of my sponge. ये light purple color का sponge है और मैंने इसको cream कर दिया है. So इसको हम separately धोएंगे, इसलिए अलग रखते हैं. और ये जो हैं ब्रशेस, इनको हम एक साथ धोएंगे. तो जस्ट कीप वॉचिंग एंड लेट्स बिगिन. सो हियर वील स्टार्ट विद अ ग्लास ऑफ वाटर. मैंने एक ग्लास में आधा ग्लास से थोड़ा सा कम पानी ले लिया है जिससे हमारे स्पॉन्ज उसके अंदर डिप हो जाए. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ अ शैम्पू. यू कुड यूज़ एनी शैम्पू ऑफ योर चॉइस. आई यूज़ दिस बिकॉज इस वाले शैम्पू को मैं सिर्फ इन्हीं कामों के लिए यूज़ करती हूँ. आई डोंट यूज़ इट ऑन माय हेयर. सो आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप और टू, इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ सो दैट इट गिव्स मी इनफ लादर. And I'll shake it well so that it mixes properly into the water. और इसके अंदर अब हम अपना स्पॉन्ज जो है, जो गंदा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा है, उसको डिप कर देंगे. एंड नॉट ओनली डिप, आई मेक श्योर ये अच्छी तरह से सोक कर ले. आई एम गोना लीव दिस फॉर से 10 मिनट्स. एंड उसके बाद मैं इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स से 40 सेकेंड्स तक छोड़ दूंगी. अब देखिए कितना बड़ा हो गया. एंड लुक एट द ग्राइंड, द डर्ट, द गंक दैट्स जस्ट फ्लोइंग आउट ऑफ इट. सारा कचरा देखिए ग्लास में है और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है. गाइस, वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ आपको अपना हाथ बहुत 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 जेंटल रखना है. मैं अपने 2-3 स्पॉन्जेस ऐसे ही फाड़ चुकी हूँ. सो आप बहुत ही लाइट हाथ से, बहुत ही जेंटल हाथ से इसको स्क्वीज़ करके, फिर पानी सोख के स्क्वीज़ करके धोएंगे. और जब ये प्रॉपरली बढ़िया से स्क्वीकी क्लीन हो जाएगा, हम इसको ठंडे पानी से भी रिंस कर देंगे. देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया इसका. टोटली क्लीन, टोटली क्लीन. दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई हैव वॉश्ड इट. और अब हम ये जो नॉर्मल ब्रशेस हैं इनको स्टार्ट करते हैं. सो शुरू करने से पहले मैं इनको पानी से, ठंडे पानी से, रनिंग वाटर के नीचे गीला करके अच्छे से धो लूँगी. गाइस, वन थिंग इसमें जो आपको याद रखना है वो आपका हाथ बहुत ही जेंटल होना चाहिए. बहुत ही हल्के हाथ से आप इनको धोगे. और कोई भी साबुन जो आप घर में यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो. मैंने तो नॉर्मल वाला सोप जो हाथ वाथ धोने के लिए हम लेते हैं, मैंने वो लिया है. मैं इसको अच्छी तरह से बहुत ही जेंटल मैनर से, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बाल उसके निकल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो ऑन अ वेरी वेरी यू नो लाइट हैंड आई एम गोना मेक श्योर दैट आई हैव इनफ सोप ऑन द ब्रशेस. ब्रश में अंदर तक सोप घुस गया है, सोप कर लिया है. बहुत ही जेंटल हाथ से मैंने सोप को और पानी को अंदर सोक कर दिया है ब्रश के अंदर. देखिए हाथ कितना सॉफ्ट और लाइट रखा है, वेरी जेंटल. जेंटल इज़ द वर्ड जब आप अपने इतने हल्के फुल्के टूल्स धो रहे हों.
और मेरे इस सोप के पीछे ये छोटा सा होल है जिससे मैं साफ़ करती हूँ अपने ब्रशेस को। मार्केट में 50-60 रुपए के वो शीट्स भी मिलते हैं, यू नो, जो स्पेशली दे आर मेड टू क्लीन दी ब्रशेस। आई कुड नॉट फाइंड वन, सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़ एंड आई वॉश माई ब्रशेस ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज़। सो दिस इज़ मोस्ट हैंडी एंड दैट्स द रीज़न दिस इज़ व्हाट आई यूज़। देखिए, वेरी जेंटल, सॉफ्टली, स्मूथली, वेरी जेंटली आई एम गोना मेक श्योर कि इसमें से सारा फाउंडेशन, क्रीम, जो भी मैंने इसको खिला खिला के इतना बड़ा किया है, सब धुल जाए। खिला खिला के गंदा किया है, सॉरी। लुक एट दैट, लुक एट दैट, व्हाट व्हाट इज़ कमिंग ऑन माय हैंड्स। पूरा फाउंडेशन और क्रीम सब हाथ पे आ रही है। बहुत ही जेंटली मैं इनको फिर से करूँगी एंड देन वंस आई एम डन, आई एम गोना रिंस द ब्रशेस अंडर रनिंग वाटर। देखिए, बहुत ही जेंटली, सो दैट अंदर तक जो साबुन गया था वो बहुत ही अच्छी तरह से बाहर आ जाए, बहुत क्लीन तरीके से मेरे ब्रशेस साफ़ हो जाएं। यू विल हैव टू यूज़ अ लिटल एक्स्ट्रा वाटर फॉर ऑल दैट। एंड उसके बाद जब सब धुल जाएगा, हमें इन ब्रशेस को उल्टा करके रखना है सो दैट जो बेस होती है ब्रश की वो वहाँ पानी डिपॉजिट ना हो जाए, वहाँ रुक ना जाए। सो यू हैव टू मेक योर ब्रशेस स्टैंड दिस वे, जिससे कि सारा पानी ड्रिप हो जाए। दिस इज़ हाउ आई एम गोना कीप माई ब्रशेस ऑन अ टिश्यू, ऑन अ थिक लेयर ऑफ टिश्यू। सो दीज आर माई हैंड टॉवल्स, जो टिश्यू हैं इनके ऊपर मैंने रखा है और मुझे इनको कम से कम 2 घंटे तक ऐसे रखना होगा सो दैट दे कैन ड्राई अवे एंड द वाटर।